हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ हॉलीवुड की टॉप 5 स्पाई एजेंट मूवीज, जिसमें आप देखेंगे शानदार ड्रामा, हाई ऑक्टेन थ्रिलिंग एक्शन और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी कर दो। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रैंडम सुमित, लेट्स मूव इट। नंबर 5, एक ओल्ड एसासिन है जो लंबी दूरी से भी गोली चलाकर किसी को भी मार सकता है, लेकिन अब वो रिटायर होना चाहता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस ऑपरेटिव का वो टारगेट बन जाता है। उसके हर मूव के बारे में एजेंसी को पता है। उससे जल्द रियलाइज हो जाता है कि जो बंदा उसको मारना चाहता है वो यंग, फास्ट और उसी का क्लोन वर्जन है। मूवी का नाम है जेमिनी मैन, जो आई थी 2019 में। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें विल स्मिथ आपको डबल रोल में दिखेंगे। स्टोरी लाइन कैप्टिवेटिंग है, जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 5.7 और आप इसे प्राइम वीडियो पर हिंदी में फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 4, एक लड़की अपने रिलेशनशिप से परेशान है और कर लेती है ब्रेकअप, और तभी उसे पता चलता है उसका लवर एक CIA स्पाई एजेंट है, और जल्दी ही ये लड़की और उसकी बेस्ट फ्रेंड अनजाने में अपने आप को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना लेते हैं। मूवी का नाम है द स्पाई हू डंप्ड मी, जो आई थी 2018 में। ये एक स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी है। एक सर्टेन लेवल का ह्यूमर और कॉमेडी के साथ कहानी लिखी गई है, और फास्ट पेस्ड एक्शन और चेस सिक्वेंसेस कहानी को मस्ट वॉच बनाती है। आउटस्टैंडिंग प्लॉट और शानदार विजुअल्स देखते ही बनते हैं। आईएमडीबी पर इस मूवी की रेटिंग है 6 और आप इसे फैमिली के साथ लायंस गेट प्ले पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, एक CIA ऑपरेटिव एक छोटी लेकिन लिथल टीम को लीड करता है। एक अर्जेंट और डेंजरस मिशन पर उनको एक इंटेलिजेंस एसेट यानी एक एजेंट को ट्रांसपोर्ट करना है अमेरिकन एम्बेसी में, लेकिन इस मिशन में उनका सामना होता है कुछ लोकल पुलिस और आर्मी के साथ, जो इस एसेट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। मूवी का नाम है माइल 22, जो आई थी 2018 में। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका प्लॉट और स्टोरी बहुत सिंपल है, और इसमें गन फाइट्स बहुत अच्छे से शूट हुए हैं। मूवी आपको एड्रेनाइल रश वाली फीलिंग देती है, और एंड में जो ट्विस्ट है वो तो भाई साहब आप कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे। मूवी को आईएमडीबी पर 6.1 की रेटिंग मिली है और आप इसे फैमिली के साथ हिंदी में लायंस गेट प्ले पर देख सकते हैं। नंबर 2, एक फास्ट पेस्ड एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड है, लेकिन स्पेन में एक टेररिस्ट ग्रुप अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार देते हैं। अब ये एक ही घटना अलग अलग लोगों के प्रोस्पेक्ट से एंगल से दिखाई है, और एंड में होता कुछ और ही है। मूवी का नाम है वेंटेज पॉइंट, जो आई थी 2018 में। मूवी में होने वाले ट्विस्ट और टर्न्स, अलग अलग प्रोस्पेक्ट की नजर से होने वाले सिनारियो आपको एज ऑफ द सीट वाला रोमांच देंगे, और आप पूरी मूवी में गेस करते रह जाओगे कि ये किसने किया है। आईएमडीबी पर इस मूवी को 6.6 की रेटिंग्स मिली है, और आप इस मूवी को फैमिली के साथ हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर वन पर एक 16 साल की लड़की, यंग लड़की की कहानी है, जिसका बाप उसे एक सुनसान जगह पर हत्यारा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। फिर लड़की को एक मिशन पर भेजा जाता है। हर वक्त उसकी टीम और उसका फादर उसको कवर देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक सीनियर और रूथलेस CIA एजेंट है, इन बाप बेटी को ट्रैक करके खत्म करना चाहते हैं। मूवी का नाम है हाना, जो आई थी 2011 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर मूवीज में गिनी जाती है। इसका जो रीजन है वो यूनिक स्टोरी लाइन के साथ एंटरटेनमेंट। इस मूवी को आईएमडीबी पर 6.7 की रेटिंग्स मिली है, और आप इसे फैमिली के साथ हिंदी में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप 5 स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवीज। क्या आपने ये सभी मूवीज देख ली है या नहीं देखी तो देख ले। अगर देखी है तो आपकी फेवरेट मूवीज कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो पे एम करते हैं सिर्फ 50 लाइक्स का, और मैं वादा करता हूं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।